अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट करो। नीज मजे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। शाहिदा अफरीदी की आमद के बाद शुएब मलिक का कराची किंग्स में बरकरार रहना दुश्वार हो गया है और अब उनका भी कराची की जगह मुल्तान में शामिल होने का इम्कान है। शुएब मलिक ने अव्वलीन PSL में टीम की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए थे, मगर फिर शिकस्तों के बाद जिम्मेदारियां रवि बोपारा के सपुर्द कर दी थी। ज़राए ने बताया कि फ्रेंचाइज अगले सीजन में शुएब मलिक को बरकरार नहीं रखना चाहती। ऑलराउंडर के हाल ही में नई टीम मुल्तान सुल्तान के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस वसीम अकरम से राब्ते भी हुए हैं। तवक्को है कि वो उसके लिए बतौर कप्तान या फिर आम खिलाड़ी की हैसियत से एक्शन में नजर आए। गए बाजी रहे कि शाहिद आफरीदी ने पेशावर जुल्मी के ओनर जावेद आफरीदी से इख्तिलाफात के बाद फ्रेंचाइज को छोड़ दिया था। वो अब कराची किंग्स के साथ वाबस्ता हो चुके हैं। PSL 3 का इनेकाद आइंदा बरस के अवाइल में होगा। प्लेयर्स ड्राफ्ट रवा माह के आखिर या नवंबर में मुतवक्के हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके शुक्रिया का मौका दें।